साहिल महाराज जी का जिहड़ा इत्थे भगवत सत्कार रखे दा वो सुना दिओ। ये तुसीं भगवत गीता की पूरी व्याख्यान करिए सुना दें और मैं समझना मैं जिन्ने बारी गीता पढ़ी अगर मनुख की गीता सही मायने च समझ आई जा उस मनुख का बेड़ा करिए। महाराज जी गल सुना साढ़े च एक मुसीबत है एक बुराई समझी लो मेरे च भी है मैं थोड़े शामिल हाँ कि जिले वो जो गेट बाहर लाए था उसे पुजना ना तो जो महाराज ने आके इतने फंडी उड़ना मजा का घर ले जाओ तो उत्थे अपने महल्ले च अपने आंढ़ी गुआंढ़ी कोई रिश्तेदार का उसी सुनाओ ताकि धर्म का प्रचार हो। शायद महाराज ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी इन्हें छोटी उम्र च मजहब की प्रचार करना शुरू किया धर्म का प्रचार करना शुरू किया चाहते थे भी पढ़े लिखिए बड़े बड़े अफसर बने इन्हें आख्या नहीं मैं धर्म का प्रचार इन्हें धर्म का प्रचार किया आएगा नहीं मैं ये चेता हुआ खरे 2000 अपने 2000 का इन्हें मैं जाना यानी कोई 20-21 साल का जाना उल्ले छोटी उम्र च इन्हें काम शुरू किया है धर्म प्रचार का। हर धर्म की मनने वाले जो लोग ने उन्हें अपना अपना हक है वो अपने धर्म का प्रचार कर अस अपने धर्म का हिंदू अपने धर्म का प्रचार करे मुसलमान अपने करे सिख अपने करे ईसाई अपने ना करे सारा देश बहुत बड़ा एक गुलदस्ता है इस गुलदस्ते बांध बांध के फूल रखे थे तुसे पता कि साढ़े मुल्क की आबादी 135 करोड़ आबादी है उसे सारे मजहब आते और हर मजहब के सिखाता कुसे कने बैर नहीं रखना एकता इतफाक रखनी प्यार मोहब्बत रखना जिले परमात्मा के प्रार्थना करनी उसने आखना सरबत का भला होवे सरबत च मैं भी आई है कुछ तुस भी आईए मेरा दुश्मन भी आई है तुहाड़ा दुश्मन भी आई है जिले मुसलमान लोग पूजा करते अपने तरीके कने आखदे रब्बो आलमी रबो आदमी में यह कि रब सारे ना सांझा सारे ना परमात्मा सारे ना परमात्मा एक क्या कोई कोई ना ले ये बुलाना कोई कोई ना ले ये बुलाना आ सारे परमात्मा ने अच्छा और अगर अस परमात्मा ने अच्छा सारा फर्ज बनता कि अस अपने आप की सही मनुख बनिए बनचे ओदे कने की होगा सारा समाज अच्छा समाज बनक सारा देश अच्छा बनक देश मजबूत हो जिथे आप धर्म प्रचार की गल करने उथे असें देश की मजबूत करने का भी प्रचार करना चाहिए। हर शख्स की जिम्मेवारी है क्या हिंदू है क्या मुसलमान है क्या सिख है ईसाई है सारे की जिम्मेवारी है तो इस देश की मजबूत करें अगर देश मजबूत है अस मजबूत है अगर देश कमजोर है अस भी कमजोर है। जेड़ा आदमी देश का भक्त नहीं बन सके देश का वफादार नहीं बन सके उस आदमी का जीवन नहीं हो सकता। इस करी महाराज जी ने गल करा रहे हैं देश भक्ति की भी गल करते धर्म प्रचार की भी गल करते दो गल बड़ी जरूरी मगर एक गल बस और अपना जाना
पेट नहीं पियां रोटियां सारियां गलां खोटियां।